तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की। ये मूवी इस फ्रेंचाइजी की फोर्थ मूवी है जो कि अभी रिलीज हुई है। तो जो लोग इस मूवी को नहीं देख पाए हैं, आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें अब तक की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ह्यूमन ने इंसानों के दिमाग को तेज करने के लिए एक वायरस को क्रिएट किया था, और जिन साइंटिस्ट ने उसे क्रिएट किया था सबसे पहले उसे मंकी पर अप्लाई किया था, बट एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वो वायरस फैल जाता है, जिससे हम देखते हैं कि इस वायरस की वजह से जितने भी मंकी और एप्स होते हैं वो तो बहुत समझदार हो जाते हैं, और जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर भी ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये वायरस एक एक करके उन सारे इंसानों की जान ले लेता है, और ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो इस वायरस से बच पाते हैं, लेकिन जो बचे हुए होते हैं उनके अंदर भी ये वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से इंसानों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे इंसान ना तो बोल पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। मतलब कि दुनिया ऐसी बन जाती है कि इंसान जानवर जैसे व जानवर इंसानों जैसे बन जाते हैं। ये सारी कहानी तीसरे पार्ट तक दिखाई गई है, और जहां इस मूवी के एंड में ये भी देखते हैं सभी बंदरों के लीडर सीजर की मौत हो जाती है। तो अब बात करते हैं किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की। तो इसकी कहानी उसी इवेंट के 300 साल बाद स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि दुनिया एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहां ह्यूमन आदि मानव की तरह रह रहे हैं, और जो बंदर हैं उन्होंने सभ्यता बसा ली है, इसलिए वो सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। यहाँ पर हम एप्स के एक बहुत बड़े कबीले को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर जंगल में रहता है, और ये ठीक उसी तरीके से रहते हैं जिस तरह से हमने सीजर के टाइम पर रहते देखा था। इसके बाद जो है हम कहानी के एक मेन करेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम नोवा, जो कि इसी सारे एप्स का मेंबर है जो कि जंगल में रहते हैं। वो बेसिकली इस जंगल में रहने वाले एप्स के लीडर का बेटा है। यही हम नोवा के कुछ दोस्तों को भी देखते हैं जिनका नाम है सुना और अनाया। मूवी के शुरुआत में भी हम देखते हैं कि ये तीनों नोवा, सुना और अनाया एक ऊंचाई पर चढ़कर बाज के अंडे इकट्ठा करते हैं, और अंडा लेने के बाद जब अंडा मिल जाता है तो ये लोग जंगल में वापस अपने घर आ जाते हैं, और वहीं इनको पता लगता है कि इनको कोई फॉलो कर रहा है। उसके बाद ये घर आते हैं तो वहां आकर पता लगता है कि यहां पर जितने भी जवान बंदर हैं उनके पास अपने अलग अलग बाज हैं, और ये सब उनके पालतू बाज हैं। दरअसल इनके कबीले से कोई एप जब जवान होता है तो उसे एक बाज का अंडा दिया जाता है, और जब अंडे से बच्चा बाहर आता है तो उस बाज की उस ऐप को हिफाजत करनी होती है, उसे पालना पोसना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग करनी होती है, और इसके साथ ही हमको ये भी पता चलता है कि ये अपने बाज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का गाना गाते हैं, और इस तरह का गाना गाने में यानी कि ऐसा साउंड निकालने में नोवा के फादर मतलब कि पूरे कबीले के लीडर सबसे एक्सपर्ट हैं। इसके बाद हम कहानी में आगे देखते हैं कि जब नोवा अपने अंडे को हासिल करके उसे अपने पास हिफाजत से रखता है, तब एक दिन रात को अचानक से उसके पास एक ह्यूमन लड़की आती है, और वो नोवा के कबीले में खाने की तलाश में आती है, लेकिन जब नोवा उसे देख लेता है तो वो वहाँ भागने की कोशिश करती है, जिस वजह से उन दोनों की झड़प हो जाती है, और इस झड़प में नोवा का अंडा फूट जाता है, और अंडा फूट जाने की वजह से वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जंगल जाएगा और जल्दी से बाज के दूसरे अंडे को
ढूंढेगा। इसके बाद नोवा अंडा ढूंढने निकल जाता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उसके कबीले के दो आदमी देखते हैं, यानी कि दो एप्स दिखते हैं, और वो दोनों एप्स बहुत बुरी हालत में ज़मीन पर पड़े होते हैं। और जब नोवा उनके पास जाता है तो उसे पता लगता है कि उन दोनों को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है और अब उनकी जान जाने वाली है। जब नोवा पूछता है कि ये सब किसने किया तो उसे पता चलता है कि जैसे उनके बानर का एक कबीला है, ठीक उसी तरह से दूसरे बानर का कबीला है, लेकिन जैसे हमारा कबीला जंगल में रहता है, लेकिन ये दूसरे बानर वाला कबीला समुद्र के किनारे पर रहता है, लेकिन जो समुद्र के पास रहने वाले जो बानर हैं वो हम सभी से बहुत नफरत करते हैं और इसलिए ये हमें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर इनका विरोध करते हैं तो ये उनको मार देते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि वो बताता है कि हमारी तरह और भी कई कबीलों को ढूंढ ढूंढ कर वो मार चुके हैं और अब वो हमारे कबीले को ढूंढ कर उसे बर्बाद कर देंगे और हमारे लोगों को गुलाम बना लेंगे। ये सारी बातें जानने के बाद नोवा अपने कबीले की तरफ वापस आता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो वो देखता है कि उससे पहले दूसरे बानर वहाँ पर आ चुके हैं और उन सब ने उसके कबीले को आग लगा दी है। इसके साथ ही वो लोग उसके कबीले के लोगों को बहुत मारते हैं और उन सभी को बांधकर अपना गुलाम बना लेते हैं। इसके साथ ही वो लोग नोवा के फादर पर भी अटैक करते हैं। ये देखकर नोवा अपने फादर को बचाने जाता है, लेकिन वो लोग नोवा को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं, जिससे नोवा सीधा झाड़ियों में गिर जाता है और वो लोग उसके फादर को जान से मार देते हैं। और वो लोग उसे इसलिए मारते हैं क्योंकि वो पूरे कबीले का लीडर होता है। इसके बाद जंगल के सारे बानरों को सीधा समुद्र के बानरों के पास ले जाया जाता है और उन सभी को समुद्री बानर के लीडर का गुलाम बना लिया जाता है। इसके बाद अगले दिन नोवा की जब आँख खुलती हैं तो वो देखता है उसके पूरे कबीले को जला दिया गया है और साथ ही उसके फादर को भी मार दिया है एंड उसके कबीले के सारे लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया है। इसके बाद वो अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है। इसके लिए वो अपने फादर को ज़मीन के अंदर दफना देता है। इसके बाद वो कसम खाता है कि वो समुद्री बानर के लीडर से अपने फादर की मौत का बदला लेगा और अपने साथियों को छुड़ाकर लाएगा। इसके लिए वो सारे बंदरों की तलाश में जंगल जाता है। जंगल में नोवा की मुलाकात एक रेंगटोन से होती है और ये रेंगटोन बिल्कुल मॉरिस की तरह दिखता है, लेकिन इसका नाम राका होता है और ये भी मॉरिस की तरह काफ़ी अच्छा और इंटेलिजेंट होता है। यहाँ राका के पास कई सारी किताबें होती हैं जिन्हें देखकर नोवा पूछता है कि ये सब क्या है, तो राका बताता है कि ये सारी किताबें हैं और इसके अंदर कई सारे अक्षर हैं और हर चिन्ह का अपना कुछ ना कुछ मतलब है। यहीं आपको बता दूं कि ये लोग किताबों को नहीं पढ़ सकते, लेकिन राका नोवा को बताता है कि सालों पहले ऐसे बानर हुआ करते थे जो इन किताबों को पढ़ सकते थे और किताब पढ़ने वाले बानर सीजर के समय में हुआ करते थे। फिर नोवा राका से पूछता है कि ये सीजर कौन है, तो राका बताता है कि सीजर पहला ऐसा बानर था जिससे सारे बानरों के विकास की शुरुआत हुई थी। सीजर एक महान बानर था, उसने ही बानरों की सभ्यता बसाई थी और उसी की वजह से सारे बानर बोल पाए थे। और सीजर का मानना था कि एक बानर को दूसरे बानर को कभी भी नहीं मारना चाहिए। इसके बाद राका व नोवा काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसलिए वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं उसी समय उनके पास वो लड़की आती है जिस लड़की ने नोवा का टकराकर अंडा फोड़ दिया था। तो नोवा उस लड़की को देखकर गुस्सा करता है और राका उसे रोक देता है और वो उसे कहता है कि महान सीजर इंसानों से प्यार करते थे और पहले वो एक साथ रहते थे। फिर राका उस लड़की को खाना देता है और वो खाना खाती है, तब वो उन दोनों की दोस्त बन जाती है
वहीं राका नोवा को बताता है कि ऐसा भी समय था कि इंसान बोल भी पाते थे, उनके पास भी बुद्धि होती थी और वो भी बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन अब इंसानों में बहुत चेंजेस आ गया है और अब तो उनके अंदर बुद्धि भी नहीं है और जानवरों की तरह भी रहते हैं। इसके बाद अगले दिन नोवा, राका और वो लड़की तीनों मिलकर जंगल में आगे जाते हैं। जंगल में उनको कई सारे इंसान मिलते हैं और वो इंसान आदिवासी की तरह देखते हैं। वो सब लोग जंगल में खाना ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर दूसरे कबीले के लोग आ जाते हैं और ये लोग इंसानों को मारने लगते हैं, क्योंकि ये दूसरा कबीला इंसानों से काफ़ी नफरत करता है। हालांकि नोवा व राका दोनों मिलकर उस लड़की को बचा लेते हैं। वहाँ से सुरक्षित आने के बाद वो लड़की उनसे बात करती है और वो उनको बताती है कि उसका नाम मे है। ये देखकर राका चौंक जाता है और वो बोलता है कि ये लड़की बोल कैसे सकती है। फिर मे उन दोनों को बताती है कि वो बाकी इंसानों से काफ़ी अलग है और वो ये भी बताती है कि जिन इंसानों के झुंड में वो रहती थी वो काफ़ी समझदार इंसान थे, लेकिन दूसरे कबीले के बानर जिन्होंने आज हम पर हमला किया था, उन्होंने मेरे कबीले पर हमला करके मेरे कबीले के सारे लोगों को मार दिया और सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ। और वो नोवा को भी ये बताती है कि तुम्हारे कबीले के लोग कहाँ हैं। इसके बाद वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और चलते चलते वो नदी के पुल पर आ जाते हैं, लेकिन यहीं देखते हैं कि दूसरे कबीले के लोग उन पर हमला कर देते हैं और इस लड़ाई में राका पानी में गिरकर बह जाता है, लेकिन नोवा व मे को पकड़कर सीधा समुद्री बानर के सरदार के पास लाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि ये दूसरा कबीला पूरी तरह पानी के बगल में रहता है और इन लोगों ने समुद्र के पानी को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बना रखी है। इसके साथ ही नोवा के कबीले के भी बाकी लोग यहीं पर थे। वह मे को एक अलग कमरे में रखा जाता है। इसके साथ ही जो इन जानवरों का सरदार था उसका नाम प्रोक्सिन सीजर है, लेकिन ये बहुत क्रूर है। इसके साथ ही पता चलता है कि ये प्रोक्सिन सीजर ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और पहले के टाइम में क्या क्या हुआ था उसे सब पता था। इसके साथ ही उसके पास एक बहुत बड़ा शिप होता है जिसके अंदर एक काफ़ी बड़ा बंकर होता है और उस बंकर में इंसानों के बहुत सारे हथियार होते हैं और पावरफुल टेक्नोलॉजी के एडवांस हथियार होते हैं, लेकिन बंकर का दरवाज़ा बंद होता है, इसलिए वो अपने सारे गुलामों की मदद से उस बंकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उस दरवाजे को वो नहीं खोल पाते हैं। लेकिन उसका मेन मकसद उस बंकर के अंदर के हथियारों को पाना था जिससे कि वो सारे इंसानों को मार दे और सारे बानरों को अपना गुलाम बना ले। एक्चुअली ये प्रोक्सिन सीजर इंसानों से इतनी ज़्यादा नफरत इसलिए करता था क्योंकि वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानता था और ये भी जानता था कि इंसान पहले बंदरों को पिंजरे में बंद करके रखते थे। प्रोक्सिन सीजर ऐसा सोचता था कि अगर इंसानों के पास फिर से दिमाग आ गया तो वो फिर से बंदरों को गुलाम बना लेंगे। वहीं नोवा प्रोक्सिन सीजर से मिलने के बाद ये जान जाता है कि अगर प्रोक्सिन सीजर को अपने प्लान में कामयाबी मिल गई तो ना वो सिर्फ इंसानों को मारेगा बल्कि उसके सारे साथी और जिन लोगों को उसने बंदी बना रखा है बाकी सब लोगों को वो बंदी बना लेगा। इसके बाद नोवा मे से मिलता है जहाँ मे उसे बताती है कि उसके सारे लोग मतलब इंसान अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और इसके लिए उसे एक ऐसी किताब की ज़रूरत है जो उस किताब से अपने सारे लोगों को भाषा सिखा सके, लेकिन वो किताब उस बंकर के अंदर है जिसका दरवाज़ा बंद है। वहीं नोवा उस बंकर को ब्लास्ट करना चाहता है जिससे वो अपने सारे लोगों को वापस ले जा सके। इसके लिए मे भी राजी हो जाती है, लेकिन वो बताती है कि इसके लिए प्रोक्सिन सीजर को रोकना ज़रूरी है, इसलिए बंकर को ब्लास्ट करने में नोवा का साथ देगी, लेकिन उससे पहले उसे बंकर के अंदर से अपने लोगों के लिए किताब लेके आनी पड़ेगी। इसके बाद नोवा
वह मे ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्लान को आज रात ही अंजाम देंगे। उसके बाद रात होने के बाद हम देखते हैं कि नोवा अपने दोस्त सुना व अनाया के साथ लेकर वह मे के साथ मिलकर वहां से दूर चला जाता है, जिसके बाद वो चारों बम बनाते हैं वह दीवार के नीचे लगा देते हैं, जिस दीवार ने समुद्र के पानी को रोक रखा था। मे का प्लान होता है कि पहले वो किताब लेगी फिर बंकर को ब्लास्ट कर देगी, लेकिन मे का कुछ और ही प्लान था। उसके बाद मे नोवा सना व अनाया के साथ मिलकर खुफिया छेद से उस बंकर के अंदर चली जाती है जहां से वो उस किताब को ले लेती है, लेकिन उसी दौरान नोवा व उसके साथियों को एक ऐसी किताब मिलती है जो बच्चों के चिड़ियाघर वाली किताब होती है, लेकिन इस किताब में वो कई ऐसी तस्वीर देखते हैं जिससे बंदरों को पिंजरे में रखा गया था और इंसान उनको बाहर से देख रहे हैं। इसके बाद वो चारों बंकर से गेट के जरिए बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बंकर का गेट खोलते हैं वैसे ही वो लोग देखते हैं कि बाहर प्रॉक्सिन सीजर खड़ा है, वो भी अपने कई साथियों के साथ। वो उन चारों को देखकर प्रॉक्सिन सीजर ये समझता जाता है कि चारों ने हथियारों को कहीं छुपा दिया होगा और वो चारों उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे होंगे, इसलिए उन सबसे बातें उगलवाने के लिए नोवा के दोस्त के ऊपर प्रॉक्सिन चाकू रख देता है और उसे मारने को बोलता है, लेकिन तभी मे उसको शूट करके मार देती है। प्रॉक्सिन सीजर बंदूक देखकर बहुत खुश होता है और वो चाहता है कि हथियार के बदले वो उन सभी को जाने देगा, लेकिन मे नहीं चाहती कि उसके हथियार उसको मिलें। वो वहाँ से चली जाती है और दीवार के पास लगी बॉम्ब को फोड़ देती है और सारा पानी बंकर में आ जाता है। यहीं हम ये देखते हैं कि नोवा के साथी पानी से बचते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे प्रॉक्सिन सीजर के सारे साथी मर जाते हैं। इसके बाद नोवा और उसके साथी सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां हम देखते हैं कि वहां प्रॉक्सिन सीजर भी आ जाता है और वो नोवा को मारता है और सभी से कहता है कि वो सब उसके गुलाम हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा वो गाना गाता है जिससे बाज वापस आ जाते हैं, तो सारे बाज प्रॉक्सिन सीजर के पास आ जाते हैं और उसे समुद्र में गिरा देते हैं। इसके बाद नोवा अपने कबीले के साथ जंगल में जाता है और अपना घर फिर से बनाता है। वहीं दूसरी तरफ हमको मे को दिखाया जाता है जो किताब को लेकर दूसरे इंसानों के पास चली जाती है। तभी वहां ये भी देखते हैं कि वहां पर मे जैसे और भी इंसान हैं जो कि बोल सकते हैं और ये किसी और जगह रहने वाले इंसानों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो मे से किताब लेते हैं वो सैटेलाइट को सही कर लेते हैं, वह ह्यूमन से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो यही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो ये थी किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप की कहानी। तो आप सभी को ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक डिसलाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।